मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग बहुत ही सालों के बाद इकट्ठे जिम कर रहे हैं। अभी क्या वर्कआउट करते हैं दीपक, अपना टेनिस खेलते हैं, मैं वर्कआउट करती हूँ, बट आज हम लोग जिम ही करेंगे। ये मैं हूँ, ये दीपक हैं, और आज हम जिमिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मैं हूँ, ये सोनिया है, ये हमारा रोड है, और हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं। हाँ, इंदिरा वो भी आएंगी, अभी मायरा उठ गई थी। तो लेट्स सी कब तक दीपक मेरे साथ जाते। दीपक एक दिन छोड़ के जाया करेंगे जिम। किया गाइस, ये यहाँ से उल्टे रास्तों से मुझे लेके आते हैं, जो रास्ता सही है। ये देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदे गंदे रास्तों से लेके आ रहे हैं मुझे, बीच बीच में से। वॉक वहाँ पे ट्रेडमिल पे वॉक कर लेनी है, पर यहाँ पे जिम बड़ा बढ़िया था। मैंने तो पहले बोला था अच्छा है वो, फुल एनर्जी, लेकिन थोड़ा केस बढ़ गया ना, थोड़ा डर भी लगता है। अंबर को तो अभी नींद आनी स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आज है सैटरडे, और वर्कआउट आने के बाद भी फिर भी हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने के लिए, क्योंकि आज है मम्मी और डैडी की एनिवर्सरी। तो उनकी शादी को 38 ईयर्स हो गए हैं, मतलब मेरे मदर इन लॉ और डैड इन लॉ की। दीपक आज बने हुए हैं येलो बटरफ्लाई, एंड वो बनी हुई है मजेंटा बटरफ्लाई। तो एम्बर, वेयर आर वी गोइंग? ये मुँह में नहीं जाना पता, कहाँ जा रहे हो आप आज घूमने के लिए? एम्बू, आप नहीं ऊपर चढ़ सकते ना, आपको नहीं अभी आता। देखो देखो, डैडा कहाँ है? आज हम जा रहे हैं, और दादी जी की आज एनिवर्सरी है। दादी जी, हैप्पी एनिवर्सरी। दादू को तो बोला ही नहीं आपने। दादू जी का आज फोन नहीं आया, आई थिंक आया सी, मेनू आया सी। ओके, तो हम मैं उन्हें शाम को फोन करके उन्हें विश करूंगी, और इंस्टा पे फोटो भी डालूंगी। तो अभी हम जा रहे हैं, और एम्बर अभी थोड़ी सी उसको नींद आई हुई है, लेकिन फिर भी कर रही है। और ये रहे एम्बर। और साथी, आप कुछ कहना चाहेंगी? एम्बर, मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं बोल रही हूँ कि हम लोग कितने टाइम के बाद बाहर जा रहे हैं। ओके, और हमारी एम्बर हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, वो बहुत अच्छी लग रही है। पहले उसको एक ड्रेस पहनाई थी, लेकिन वो उसको थोड़ी मैच सूटिंग की, तो उसकी ड्रेस चेंज करके लगी सूटिंग की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और हिज एम्बो एम्बो तो बाहर आके इतना देखना होता है कि बाहर। अभी एक्चुअली इसको मैं थोड़ा खाना खिला रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको अपने पास बिठा लेती हूँ, उसको नींद बहुत आ रखी है, तो कुछ खा लेगी थोड़ा बहुत तब तक के लिए। एम्बर के लिए मम्मी ने बनाई है मिस्सी रोटी, तो वो खा रही है ये मिस्सी रोटी। एम्बो, वेयर आर वी गोइंग? इसको अभी तक इतना पता नहीं चला कि क्या है बाहर, है इतना रोटी ना खुश। हाँ, सो गाइज, दीपक पता नहीं हमें कौन से रेस्टोरेंट में लेके आए हैं, बिल्कुल साइड पे बना हुआ है, बट ऐसे लग रहा है किसी शादी में आए हैं, क्योंकि थोड़ा लॉन वगैरह जैसे होते ना शादी के वैसे हैं। और तो दीपक बोल रहे हैं इस हिसाब से मैं लेके आया हूँ कि मम्मी की आज एनिवर्सरी है, तो जैसे शादी होती है ना वैसे लेके आया हूँ, ताकि मम्मी की शादी के हिसाब से। और ये मोबाइल है, और इस पे हम दादी जी की फोटो खींच के इंस्टा पे डालेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी फोटो खींच देना, बहुत सुंदर व्यू है। अच्छा, तो मेरी फोटो खींच देना और इंस्टा पे डाल देना। ये दादी, सब लोग विश कर दे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। 38 ईयर हो गए हैं, और कैसे अपने ये साल करें अच्छे अच्छे। बहुत बहुत अच्छे। अरे, ट्रैवलर्स मॉम मिल गया मुझे, ट्रैवलर्स मॉम मिल गया। अरे यार, ये ट्रैवलर्स मॉम ही तो है। ये देखो, ये वाला प्लांट मैं देख रही थी, ये वाला, उसको बोलो 500 रुपए मेरे से ले लें, मैं यहीं ले जाती हूँ, पर ये खराब है, खराब हो रखा है। हाँ, ये रख, छुट्टू वो जा रही है अपनी दीदी के साथ, दोनों चलो। अरे वो भी आ जाएंगे, तुम भी चलो। हे एम्बो, चलो चलो, ये चलो। अरे ये तो बहुत विलेज अच्छा बना हुआ है एम्बर। वाओ, सो प्रिटी, सो प्रिटी ना।
कर लो। ऑन है, ये देखो ऑन है, दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे ऑन है, दिख रहा है आपको? मेरे को ब्लेम किया जाता है कि मैं ऑन नहीं करता, ऐसे ही बोलने शुरू कर देता हूँ। खाना खाया अभी? एम्बर को तो इतनी नींद आ रही थी ना, जो है वह सोना नहीं है, और जब भी बच्चे देखती है उसको भागने को मन करता है। अभी हम खाना खाया है, बड़ी मुश्किल से जगा के रखा है, क्योंकि अभी सो गई तो वो घर चक्के नहीं सोएगी। हाँ, शुरू शुरू में सो गई फिर हम भी नहीं, अगर वो सो गई फिर हम नहीं सोने देते। देखो तो सही, वो घूम रही है। इसका ध्यान बच्चों की ओर है। एम्बर बेबी, अभी एम्बर को आई हुई है नींद, लेकिन हमने एम्बर को नहीं देना सोने। हाय, गाइस आज ना हम लोग गए तो थे, बट आकर ना इतनी सबको नींद आई कि सब लोग सो गए, दीपक, एम्बर, मम्मी, अर्श। और उसके बाद इंटरकॉम पे फ़ोन बजा और मेरी नींद ऐसी खुल गई कि मेरे को नींद ही नहीं आई। मैं जस्ट 15-20 मिनट सो पाई। उसके बाद मुझे लिविंग रूम के जो ग्लासेस है बड़े बड़े हैं वो साफ करने थे, बहुत गंदे हो रखे थे। तो एक दिन दीपक ने साफ कर रहे थे, तो क्या हुआ, वो ऐसे दीपक ने चमका दिए कि सब लोगों के सर डोर में इतनी ज़ोर से लगा, क्योंकि दीपक ने इतना चमका दिया था, सब लोगों को लग ही नहीं रहा था कि वो शीशा है, लग रहा था कि ओपन है वो। तो आज हमारा देख सकते हो कितना मैस है। मेरी आती है, थोड़ा सफाई अभियान चल रहा है दीपक की अलमारी का और मेरी तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। देखो अभी क्या हालत है। अभी एक्चुअली मैंने निकाले भी हैं थोड़े से, तो लुक एट दिस, एम्बर का कॉस्ट्यूम आ गया। सो दीपक दिखाओगे? पकड़ के उठाए सीधा, तो पकड़ो। दीपक को ही नहीं पता चलेगा कौन सा लड़कियों का सीधा कौन सा होता है। हाँ, ये फ्रंट है, लुक एट दिस हाउ क्यूट। आपके नहीं आएगा, ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है तो इसलिए छोटा सा ये लग रहा है, बट हाँ स्ट्रेचेबल है। सोनिया भी पहन सकती है, मुझे तो लगता है आप भी पहन सकते हो। बैक साइड दिखाओ ना, इसका बैक साइड अच्छा है, लुक एट दिस। थोड़े दिनों में वो पहनेगी स्विमिंग के लिए। वैसे तो घरों में इंसान रहते हैं लेकिन हम जानवर हैं, इस पर इतना वेट डाला, मतलब ये ऐसे हो गया, मेरे को उसको निकाल के ऐसे घुमा के रखना पड़ा। देखो ऐसा कर्व बन गया लकड़ी का, और स्प्रिंग ही हो गया, वो नीचे भी नहीं जा रही है। ये क्या है? अरे ये मेरे को अवार्ड मिले थे अपने वार्डरोब इसमें क्यों लगाए हुए हैं? मेरे जब भी मैं खोलूं मेरे को खुशी का एहसास हो। और अभी एक्चुअली देखो, लुक एट दिस, अभी मम्मी को पता नहीं है कि मम्मी को पता है कि, तो अभी हम लोग एनिवर्सरी के लिए केक लेके आ रहे हैं। हां, ये आपको दिखाती हूं, इसको देखना। पंखा बंद कर देने मम्मी, जरा 2 मिनट होल्ड कर लो। ये मेरी सास है, ये मेरा केक है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। मैंने अपनी दादी को जो केक का सरप्राइज दिया था वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। और जो मैंने आपको बोला था इनको कि फ्रिज का दरवाजा मत खोलना, क्योंकि फ्रिज के अंदर केक पड़ा था, मैंने इनको झूठ बोला कि फ्रिज का दरवाजा थोड़ा खराब है तो उसको खोलना मत, और इन्होंने वो बात को सच मान लिया। सीरियसली ले लिया। मैंने सोचा कि शायद फ्रिज का दरवाजा खराब हो गया, अगर मैं खोल लिया तो वो ना मेरे ऊपर ही आ जाए। तो ये मेरी दादी को बड़ा मजाक किया है। गाइस बताओ।
तो गाइस अभी मेरी दादी के साथ, ये दादी को सच लगा, उनको लगा कि मतलब ये जो दरवाजा अगर मैं खोलूंगी तो मेरे ऊपर ही गिर जाएगा, तो इसी वजह से उन्होंने खोला नहीं। और हमने हमारे दादू जी को भी फोन किया था, दादू जी ने क्या बोला? हाँ, दादू जी ने भी आज कोई कमी नहीं छोड़ी, मतलब पूरी अच्छे से चिकन विकन बना के, मच्छी वच्छी बना के, सब कुछ उसे तैयार करके, उसको प्लेट सजा के फोटोज भेजी हमें। तो आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? बहुत खुश है, हमारे बच्चे ध्यान रखते हैं, खुशियां पूरी करते हैं। अच्छा तो लगेगा ही। हाँ, ये तो अच्छा लगेगा। और फिलहाल तो मैं तो बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि हमने जो दादी को सरप्राइज दिया था, मेरा वो रिएक्शन, दादी का वो रिएक्शन जो था ना, ऐसे लाइक इतनी खुशी वाला रिएक्शन, वो मैं भूल नहीं सकती। वो बहुत ही प्यारा रिएक्शन दादी ने दिया, क्योंकि उस टाइम दादी दादू से फोन पे बात कर रही थी और मेरा पेट भर गया। अब मैं हम खाना हाजम कर रही हूँ, हाजम भी नहीं होता, क्या करूँ इतना भारा खाना। इनके कहने का ये मतलब है, खाना हाजम भी नहीं होता। इनके कहने का ये मतलब है कि आज इन्होंने पास्ता खाया और चिकन खाया, चिकन खाया, मटन खाया, केक खाया, मतलब आज सारा हैवी हैवी आइटम खाया इन्होंने। तो बोल रहे खाना इतना मतलब ज़्यादा खा लिया कि हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो अब ये यहाँ पे इतनी सी जगह पे सैर कर रही हैं, ताकि ये वहाँ पर, हमारे वहाँ पंजाब में वहाँ जो बालकनी थी ना वो बहुत ही लंबी थी, तो वहाँ पर भी ये 7-8 राउंड लगाते थे, है ना। और चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट को पूरी करेंगे जी, ज़रूर मुझे पता ही है सभी करेंगे। तो ये क्या है? ये एक यूट्यूब का सिल्वर बटन है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम 1 मिलियन सब्सक्राइब, हम अपने अब 1 मिलियन हमें गाइस पूरा करना है, और हमें यूट्यूब में से गोल्डन बटन चाहिए। तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब करो और हमारे लिए गोल्डन बटन लेकर आओ। सो फैमिली, ये है हमारा सिल्वर बटन और गोल्डन बटन, आप ही ला सकते हो। तो जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गोल्डन बटन ले आइए। टरिंग, गुड बाय। किसी दे दे किसी दे दे किसी दे दे।